बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। दो दफा की फॉर्मर चैंपियन रही है पाकिस्तान सुपर लीग की, इनकी रिटेंशन की लिस्ट जारी हो गई है। साकिब भाई, कैसी रिटेंशन है? यार इनकी बड़ी अच्छी रिटेंशन है इनकी भी, क्योंकि इनके पीछे भी काफ़ी ब्रेनर्स बैठे होते हैं। हम हमेशा बात करते हैं, बार बार उनका नाम लेना, रेहान भाई और हसन चीमा। हसन चीमा ही है ना जी? हाँ, मैंने कहा वो उमर चीमा के साथ मुझे कई दफ़ा ना कंफ्यूज कर जाता हूँ। एनीवे, यार इन्होंने प्लैटिनम में रिटेन किया है शदाब खान को, और प्लैटिनम में एक ही प्लेयर रिटेन किया तो मोस्ट लाइकली ही विल बी द कैप्टन। और उसके बाद इन्होंने फहीम अशरफ को रिटेन किया है डायमंड में ब्रांड एम्बेसडर बना के। फहीम अशरफ को तो हमें अपना ब्रांड एम्बेसडर पक्का रेलुकट्टा है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। यार रेलुकट्टा का कैप्टन तो आप उसको बनाते थे जिसको, यार इसकी बात ही नहीं की हमने कोयटा के शो में, खैर अब तो वो निकल गया, अनवर अली। वो बेचारा पहले से रेलुकट्टा से भी थोड़ा नीचे आ चुका है। नहीं, आपने रेलुकट्टा का कैप्टन बनाया था, मुझे कई लोगों ने वो एक हमारे अली भुट्टो हैं बड़े अच्छे व्यूअर, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार बड़ा हंस हंस के आप लोगों ने उसका रेलुकट्टा का कैप्टन बना दिया। वो रेलिगेट हो गया तो ये फहीम अशरफ जो है उन्होंने, यार फहीम अशरफ का ये है कि इसकी पीएसएल में इस्लामाबाद से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। आई गेस हमेशा पिछले दो सालों से टॉप का बॉलर आ रहा है, स्पेशली एज अ बॉलर। ठीक है, एज अ बॉलर वो टॉप का बॉलर आ रहा है। वो बात ये है कि ठीक है बैटिंग वगैरह नहीं कर रहा, वो हमने पहली इनिंग्स वो बार बार बात करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ साइड मैच में उसने 75-80 मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी थी, तो हमने उसको प्रॉपर ऑलराउंडर समझना शुरू कर दिया था। मगर वो मेरा वसीम अकरम लेवल की बैटिंग शायद कर लेता है कि 10 में से एक मैच में करेगा और 9 में फेल होगा। सर अब वसीम अकरम क्यों गालियां पड़ रहा है? मैं बॉलिंग नहीं कर रहा, ये जो वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे ना, जो ऐसे ऐसे करके वसीम अकरम की बैटिंग ये डिस्क्लेमर डाल देना कि वसीम मेरी बात सुनो यार, साकिब भाई के व्यूज जो है उनके पर्सनल है, हम शेयर नहीं करते। जो आपके जो अब्यूसेस है वो डायरेक्ट वसीम अकरम। वसीम भाई 250 रन बैट्समैन की बात कर रहा हूँ ना, कि वसीम अकरम जब आया था उसने शुरू में एक 86 रन। अच्छा चले, सही है, मैंने नहीं बोला, वसीम अकरम जूनियर की बात कर रहे हैं उनके मोहल्ले में। चले समझ ले, सोहेल तनवीर लेवल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बस वो वाह में अच्छा ठीक है। डायमंड में इन्होंने रिटेन किया है आसिफ अली को। ठीक है, आसिफ अली इनकी अपनी ब्रांड है और हमेशा से इन्हीं के लिए स्कोर करते हैं, तो नॉट अ बैड चॉइस। लूक रॉन्की के इन्होंने मेंटोर बना के रेलीगेट किया गोल्ड में। रॉन्की डायमंड में थे इस दफ़ा फॉर सम रीज़न, हालांकि वो प्लैटिनम लेवल उनकी परफॉर्मेंसेस थी, तो गोल्ड में इनको मिल गए। लूक रॉन्की आई गेस बड़ा अच्छा इनके लिए हो गया, सलामत के लिए। इन्होंने गोल्ड में ही हुसैन तलत को भी रिटेन कर लिया है, और आई गेस हुसैन तलत इनके गोल्ड में किया ही है। इन्होंने ज़रूर इसकी वो करवाई होगी, कोई रेलिगेशन वगैरह करवाई होगी, क्योंकि मेरा ख्याल में जो मुझे याद आ रहा है शायद हुसैन तलत डायमंड तक नहीं पहुंच गया था। एनीवे ही वाज गोल्ड। अच्छा, सिल्वर में इन्होंने फिर अमाद बट को रिटेन किया है, गुड रिटेंशन। मूसा खान को सिल्वर में किया है, गुड रिटेंशन। रिजवान हुसैन को भी सिल्वर में कर लिया है, आई गेस अगेन इट्स अ गुड रिटेंशन, क्योंकि इन्होंने एज ए बैट्समैन रिजवान हुसैन ने थोड़ा सा मुझे सरप्राइज किया है, क्योंकि रिजवान हुसैन पिछले एक दो मैचेस उन्होंने खिलाए थे उसको, दो तीन शुरू में, उसमें वो कोई खातर खा उसकी नहीं थी, मगर अमर्जिंग में आई गेस तब खेल रहा था, मगर इस दफ़ा तो वो सिल्वर में। सेकेंडली उसकी रिजवान हुसैन की उसके बाद से कोई परफॉर्मेंसेज हैं भी नहीं डोमेस्टिक में, जो सबसे जो सरप्राइजिंग है ना जो मुझे लगा इसमें, एक तो ये कि दे गॉट रेड ऑफ एलेक्स हिल्स। हाँ, एक तो ये कि इन्होंने एलेक्स हेल्स को रिटेन नहीं किया, एलेक्स हेल्स को रिटेन नहीं किया, और दूसरा जो है वो है जफर गौहर। जफर गौहर को नहीं, अभी नोटिस एलिमिनेशन की तो बात अभी हम, क्योंकि उससे भी बड़ी है मेरे पास, इससे भी बड़ी है रिजवान हुसैन की जगह मोहम्मद समी, इनके साथ पहले साल से खेल रहा था, पिछले साल का कैप्टन है। समी को रिटेन नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि अब 38-39 तक हो गया होगा। ठीक है, और फिर समी भाई का ये भी हो गया, पेट भी उनका काफी मेरी तरह निकल आया हुआ है। ठीक है, और मलिंगा तो है नहीं कि अच्छा, वैसी बोलिंग होगी। एक और कैप्टन जो हमेशा से इनके साथ था रोमन राइस, उसको भी नहीं किया, क्योंकि ये दो प्लेयर्स थे जो पहले साल से इनके साथ थे, और रोमन राइस का करियर तो बनाया भी यूनाइटेड नहीं है, तो मेरे ख्याल में, मगर वही आपकी बात के वो इंजर्ड है और उसने अभी तक कोई डोमेस्टिक वगैरह खेली भी नहीं है, तो इट मेक सेंस कि अगर वो अभी तक इंजर्ड है, और वैसे भी मैंने पॉप सिंगिंग में उसका करियर देखा थोड़ा सा, तो
इसके अलावा आई गेस और कौन सी नोटेबल ओमिशन है कि एलेक्स हिल तो ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके पास प्लैटिनम में, मगर इसमें ये भी तो है ना, पटेल है, लेकिन हेल्स अवेलेबल, लेकिन 8 रिटेन करनी है, हेल्स की अवेलेबिलिटी थी, किसकी, हेल्स, बिल्कुल एलेक्स हिल्स, हाँ बिल्कुल, वो उसमें ड्राफ्ट में है, वो इंग्लैंड की टीम से खेल भी नहीं, इस दफा इंग्लैंड के शायद को टूर नहीं, इस वजह से अगर आप देखें इंग्लैंड के बहुत से प्लेयर्स हैं, अच्छा, नहीं बट वो वैसे भी आउट है ना, वो तो एलेक्स हिल्स को भी रिसेंटली तो उन्होंने ड्रॉप किया हुआ है उसमें, वो वैसे भी टॉम बेंटन के ऊपर चले गए, तो ये इनकी रिटेंशंस हैं आई गेस इन माय ओपिनियन। अच्छा ये क्यों एलेक्स हिल क्यों इतनी बड़ी नोटिसेबल ओमिशन है, क्योंकि इन्होंने अपने 8 बचा लिए नीचे नीचे, अब प्लैटिनम में चल के एलेक्स हिल को दोबारा उठा ले, क्योंकि इस दफ़ा रिस्ट्रिक्शन थी कि आप 8 से ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते, ठीक है, इनको पता है कि यार एलेक्स हिल प्लैटिनम में 2 रख दो तो हमें अगर कोई और ना मिला तो हम हिल्स को दोबारा उठा लेंगे। सर मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि यू गेटिंग रिड ऑफ समित पटेल और रिजवान की जगह आई स्टिल थिंक दे शुड हैव गॉन फॉर जफर गौहर, बिकॉज ही इज़ योर, अभी भी आप डोमेस्टिक में देखें तो उसकी परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, एंड ही इज़ नॉट जस्ट अ बॉलर, ही इज़ अ बैट्समैन एज वेल, अभी जो कायदे आज़म ट्रॉफी हो रही है उसमें भी ही इज़ द टॉप, ही इज़ विद इन द टॉप 3 बॉलर्स। यार उसकी रीज़न एक मिनट में ये हो सकती है कि जफर गौहर चला गया वो गोल्ड में, ये इंटेलिजेंट टीम है बेसिकली, तो ये लोग ये करते हैं, इनको पता है कि हमें जफर गौहर सिल्वर में दोबारा मिल जाएगा, नहीं तो गोल्ड को इन्होंने ना एक पिक ड्राफ्ट के लिए जरूर ओपन रखनी है, जो इंटेलिजेंट टीम होती है वो ड्राफ्ट की पिक एक जरूर रखती है, इन्होंने रखी है, अग्रीड, अगर जफर गौहर को कर लेते तो गोल्ड पूरा हो जाना था, जफर गौहर को रेलिगेशन रिक्वेस्ट देके जफर गौहर को रेलिगेट नहीं कर सकते थे, शायद शक होगा ना कि उसके ऊपर कोई ना कोई जरूर बिट कर देगा, कोई ना कोई करे करे अभी करे ये बाद में करे, लेकिन दे आर स्टिल गेटिंग रेड ऑफ द प्लेयर, राइट, हाँ दे आर गेटिंग रेड ऑफ द प्लेयर, मगर ये कि गोल्ड में शायद ये समझते हैं कि उससे अच्छा प्लेयर हमें मिल सकता है, और ये फिर तो चांस ले रही है कि ड्राफ्ट में वो एक कैटेगरी नीचे चला जाए तो हम उसको पिक कर लेंगे, सिल्वर में ही वो कर देते, मगर यार इसको इन्होंने जफर गौहर को ज्यादा यूज तो इन द पास्ट वैसे भी नहीं किया, इसलिए समित पटेल था आपके पास एक लेफ्ट आर्म, यार मैं खुश हूँ यार हमारा जफर गौहर था लाहौर का, शायद इस दफा आकिब जावेद भाई उसको वापस ले लें, साकिब भाई 10 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 अजीब या जिस तरह से इन्होंने रखी हुई है स्पेसेस, आई वुड से 8 out of 10 चलो जी 8 out of 10 9 out of 10 काफ़ी हाई रेटिंग है, लेकिन जो है अभी कैसे कहा था कि टीम की अभी फुल शेप नजर आएगी जब पूरे ड्राफ्ट पूरे हो जाएंगे, सो हो सकता है रेटिंग भी बदल जाए, बेहतर भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।